गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज क्लास 7th का हिंदी का लेसन 13 है, हरित क्रांति। इस प्रस्तुत अध्याय में रमेश दास शर्मा द्वारा ये चैप्टर लिखित है, जिसमें उन्होंने हरित क्रांति की जानकारी देते हुए भारत में कृषि के क्षेत्र में हो रही उन्नति की विस्तृत जानकारी दी है। लेखक ने बताया है कि इस क्षेत्र में पंचवीय योजना बड़ी लाभकारी सिद्ध हुई है। पंचवीय योजना में कृषकों को सहायता तथा नवीन यंत्र उपलब्ध कराए हैं। इसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। चलिए, ये तो था आपका चैप्टर का मॉरल, ठीक है, कि लेखक ने इस चैप्टर में किसानों के बारे में बताया है और पंचवीय योजना कैसे किसानों के लिए लाभकारी हुई है उसका वर्णन किया है। ठीक है, आगे चैप्टर पढ़ते हैं। अभी अपने कभी आपने किसी चित्रकार को चित्र बनाते हुए देखा है? मान लीजिए कागज पर मटमैला या हल्का पीला रंग है। चित्रकार अपनी कूची उठाता है और बाई से दाई ओर तक गहरे रंग की एक पट्टी खींच देता है, फिर उसमें बीचों बीच बैंगनी रंग की लकीरें भर देता है। चारों ओर सुर्ख रंग का चटक लाल गहरा बना देता है। अब देखिए कि यह वही थोड़ी देर पहले का मटमैला कागज जैसा सजीव हो उठा। इस मटमैली धरती को हरी हरी धानी चुनर या सरसों का पीताम्बर और सूरजमुखी का बसंती चोला पहनाकर उसे अनेक रूपों में सजाने वाला कृषक और कृषि वैज्ञानिक मुझे ऐसे ही चित्रकार लगते हैं। यहाँ पे एक चित्रकार की तुलना उन्होंने किसान से की है कि जैसे कि एक चित्रकार एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर को एक सजीव जैसा अपने कलर के माध्यम से उसे सजीव बना देता है कागज़ को, इसी तरीके से जो किसान होता है वो एक मटमैली धरती को फसलों से हरा भरा कर देता है। ठीक है, जो निर्जीव रंगों से नहीं सजीव वनस्पतियों से कला की दृष्टि करते हैं। कला भी ऐसी कि जो आँखों की प्यास ही नहीं पेट की आग भी बुझाती है। भाई, किसान जब कृषि करते हैं, जब उस फसल को बेचेंगे तो क्या होगा, बेचेंगे तो पैसा मिलेगा और उससे उनकी पेट की प्यास भी बुझेगी। पिछले दिनों अपनी दक्षिण भारत की यात्रा में मैंने देखा कि कई स्थानों में गेहूं और जौ की फसलें लहरा रही हैं। सांभर डोसा और इडली खिलाने वाला यह प्रदेश अब तक मुख्य रूप से धान की ही खेती करता रहा है। संपूर्ण तटवर्ती भारत असल में इसी धान को जानता पहचानता आया है, लेकिन अब यह यहाँ गेहूं की फसल भी लहराने लगी है। यह तो हमारे कृषि वैज्ञानिक ही ऐसे चतुर चित्रे हैं जिन्होंने सर्दियों से एक ही रंग में डूबी धानी धरती पर गेहूं रंग में डुबाई कूची फेर दी। ठीक है, तो इन्होंने किसान के बारे में बताया है कि दक्षिण भारत में जहाँ पे इडली डोसा, ठीक है, सांभर इस तरह का खाना खाया जाता था, वहाँ पे आज जो संपूर्ण तटवर्ती जो भारत है वहाँ पे गेहूं की फसल भी लहरा रही है। सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम के अमर गायक स्वामी बरकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने के बंगाल में चले तो वहाँ भी धरती के रंग बदले हैं। मछली भात पर कुर्बान बंगालवासी अब बड़े चाव से गेहूं उगा रहे हैं। अब वहाँ के किसान ना तो पटसन यानी जूट के बाद खेत को खाली छोड़ते हैं, यानी पहले वो लोग जूट उगाने के बाद खेत को खाली छोड़ देते थे, लेकिन अब नहीं छोड़ते। अब वहाँ पर ना धान के बाद जैसे ही पटसन या धान की फसल काटी तो गेहूं बो दिए। एक ही खेत में साल में दो फसलें लेने का यह चक्र बंगाल में ऐसा लोकप्रिय हुआ कि वहाँ
1978 में 1 करोड़ टन से भी ज़्यादा गेहूं उगाया गया। इधर उत्तर में आ जाएं तो गेहूं का कटोरा माना जाने वाला पंजाब और उसके साथ लगा हरियाणा अब गेहूं के साथ ही खरीफ के बरसाती मौसम की फसलों में धान को भी प्रधानता दे रहा है। यहाँ तो एक वर्ष में उसी खेती में 3 बल्कि 4 तक फसलें ली जाती हैं। आइए देखें कि प्रकृति के इस परिदृश्य में परिवर्तन का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। खेती के लिए सर्दियों तक मानव ने जो 2 ही शक्ति आजमाई हैं, मानव शक्ति और पशु शक्ति। पहले भाई खेतों में क्या होता था, 2 ही प्रकार की शक्तियाँ की जाती थी, पहले एक तो मानव और दूसरी पशु। या तो खेतों में मानव काम करते थे या तो पशु, जो मानव होते थे वो पशुओं से काम लेते थे। सर्दियों तक उसने अपने आप को इसी में धन्य माना कि उसकी खेती से परिवार की गुजारे लायक पैदावार हो जाए। सर्दियों से अपने खेत में सिंचाई के लिए वह बादल और वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करता रहा। रासायनिक उर्वरकों का उसने नाम भी नहीं सुना था। कीटनाशक और फफूंदी नाशक रसायनों का इस्तेमाल तो वह तब करता जब उसे यह पता होता कि खड़ी फसल का बर्बाद होना कीटों और फफूंदियों की कारस्तानी है। वह तो इसे बाहरी हवा या देवता का प्रकोप और अपना दुर्भाग्य मानकर माथा पीट लेता। यानी पहले के जो किसान थे उन्हें पता ही नहीं था कि कीटनाशक दवाइयाँ क्या होती हैं, रासायनिक उर्वरकें क्या होती हैं, है ना। अगर फसल ख़राब होती थी या तो वो उसे बाहरी हवा या देवता का प्रकोप समझकर या अपना दुर्भाग्य समझकर अपना माथा उसे पीट लेते थे। खेती उसकी गुजर बसर करने का एक तरीका था। विज्ञान का प्रवेश उसमें दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। खेती में भी विज्ञान के नाम पर शुरू शुरू में यही हुआ कि वैज्ञानिक सर्दियों से चली आ रही कृषि परंपराओं के पीछे छिपे हुए विज्ञान को खोजने में लगे रहे। मनुष्य ने इतने लंबे विकास काल में जंगली पौधों में से अनाज देने वाले, तेल देने वाले, फल और सब्जी देने वाले, रेशे और दाल वाले पौधे छांटे हैं, फिर उनके बीज बोकर खेती करना शुरू किया। कुल 100 सवा 100 पौधे हैं जिनकी दुनिया भर में कहीं ना कहीं खेती की जाती है। खेती में सुधार लाने वाली पहली वैज्ञानिक खोज भी रासायनिक उर्वरकों की फसलों के पौधे बड़ी जड़ों से भूमि के खनिज चूसकर ही तो बढ़ते हैं। जब खनिजों की पूर्ति रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से की जा सकी तो इस तरह भूमि की उर्वरक शक्ति को बचाया जा सकता। अब सभी किसान जानते हैं कि अच्छी फसल लेने के लिए गोबर की खाद के साथ साथ रासायनिक उर्वरक देना आवश्यक है। पौधे को भूख ही नहीं प्यास भी लगती है। जल का स्पर्श ही तो धरती में बोए और सोए बीज को जगाकर अंकुरण के लिए प्रेरित करता है। अंकुर फूटने के बाद पौधा बढ़ता है तो अपनी वृद्धि के हर मोड़ पर उसे पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी ना मिले तो फसलों के पौधे प्यासे ही नहीं भूखे भी मर जाएं, क्योंकि वे मिट्टी में अपनी जड़ों से जो भी पोषण खींचते हैं वह पानी में घुला होता है। सबसे ज़्यादा पानी पीता है धान। गेहूं में भी 5 बार सिंचाई करनी पड़ती है। दूसरी और जौ और चना जैसी फसलें हैं जो पानी बहुत कम चाहती हैं। एक सिंचाई बुआई के लिए दिनों में और दूसरी फसल पकने से पहले हो जाए तो इसके लिए काफ़ी है। आदिकाल से मानव खेती के लिए बादलों की ही बाट जोता रहा। फिर वर्षा विकास नदी घाटियों में ही हुआ। नदियों
से मानव ने खेतों तक पानी ले जाने के लिए नहरें निकाली। भाई उनकी फसलों को किसकी पानी की आवश्यकता थी, तो उन्होंने क्या किया, नदियों से नहरें निकाली कि जिससे कि उनके खेतों तक वो, उनके गांव तक वो नहरें पहुँचे। ठीक है, जहाँ नहर नहीं जा सकी वहाँ तालाब बनाए और कुएं खोदे। कुओं से पानी निकालने के लिए बैलों द्वारा सिंची जाने वाली पुर और बैल या ऊंट द्वारा चलाई जाने वाली रहट के लेकर रस्सी और बाल्टी तक सिंचाई के सभी साधन आजमाए गए। सिंचाई के इन साधनों में श्रम और समय का अपव्यय बहुत होता था। वह विज्ञान ने इस दशा में नलकूपों का साधन जुटा लिया। भाई इस काम में क्या टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, तो फिर जो विज्ञान थे उन्होंने इस दशा में जो नलकूप यानी जो ट्यूबवेल वगैरह होती है उनके साधन जुटाए। फलात जब नलकूप यानी ट्यूबवेल लगाकर अधिक गहराई से पानी खींच कर घंटों का काम मिनटों में होने लगा। यंत्रों द्वारा समय और श्रम की बचत का लाभ सिंचाई में ही नहीं दूसरे कृषि कार्यों में भी उठाया गया। पूर्व वेताओं ने प्राचीन स्थापनाओं की खुदाइयों ने भांति भांति के औजार खोजे। भाई अब भाई इन्होंने पानी नहरों से पानी की भी भाई ठीक से अपना पहुंचा लिया खेतों में। ठीक है, खेतों में अब सिंचाई ठीक प्रकार से की जा रही थी, तो इन्होंने अब क्या है, अब प्राचीन स्थापनाओं की खुदाई की भांति भांति के औजार हैं और इनके अनेक प्रकार की कृषि कार्यों में उपयुक्त होते हैं। शायद पहला हल लकड़ी के सिंग जोड़कर बनाया गया था, बहुत बाद में जाकर लोहे का पता चला। अब तब से हल के फल लोहे के बनने लगे हैं। अब तो तरह तरह के कृषि यंत्र बनने लगे हैं, जुताई करने और मिट्टी पलटने तथा पट्टा फेर कर मिट्टी को महीन और इकसार करने के अतिरिक्त खेत में अवांछनीय खर पतवार उखाड़ने के लिए निराई गुड़ाई भी यंत्रों द्वारा की जा सकती है। फसलों को हरा सोना लूटने वाले कीड़ों को अब छिड़काव यंत्रों द्वारा कीटनाशी दवाई छिड़ककर नष्ट किया जा सकता है। फसल काटने के लिए भी हाथ में हसिया और दराती चलाने की जगह ट्रैक्टर से चलने वाले कटाई यंत्र काम में ले सकते हैं। वस्तु खेती में यंत्र युग का प्रवेश ट्रैक्टर के द्वारा ही हुआ है। अब जब दो बैलों की जगह ट्रैक्टर ने हल खींचना शुरू किया तो मीलों तक लंबे चौड़े खेतों में फसलें लहराने लगी। पंजाब और हरियाणा के मिश्र यंत्रों द्वारा तो गेहूं की फसल पकने पर कटाई ही नहीं करते, भूसा और दाना अलग करने के लिए मड़ाई भी करते जाते हैं। अलग से भी मड़ाई यंत्र है। बिजली या इंजन से चलने वाला थ्रेसर दिन भर में 20 से 30 कुंटल तक गेहूं के दाने निकाल सकता है। यही काम कटी फसल के फूले बैलों से कुचलवा कर करने में कम से कम एक सप्ताह लगता था। कटाई और मड़ाई के बाद अगली फसल की बुआई भी आप यंत्रों से कर सकते हैं। इससे कम जल्दी तो होता ही है, साथ ही बीज सही दूरी और ठीक गहराई में बोया जाता है। बीज के साथ ही उर्वरक डालने के भी यंत्र उपलब्ध हैं। आपने खेत जोत लिया, खाद डाल दी, सिंचाई का प्रबंध कर लिया, पर यह सारा परिश्रम तभी सफल होगा जब बोया गया बीज भी बढ़िया हो। जैसे बीज को टूटे फूटे सिकुड़े या कमजोर ना हो तो आसानी से अंकुरित हो जाए और पौधे भी
पुष्ट हूँ, रोग और कीड़े ना लगे और साथ ही अधिक उर्वरक ग्रहण करके ज़्यादा उपज देने की क्षमता उसमें हो। ठीक है, तो आपने क्या जाना, सिंचाई के बारे में जाना है। पहले तो जाना कि जो फसलें होती हैं, उसके बाद आपने क्या जाना कि इन सारे प्रोसेस के बाद अगर आपने अच्छे बीज नहीं डाले ज़मीन में, सिकुड़े बीज डाले, तो वो अंकुरित नहीं होंगे, जिससे आपकी फसल ख़राब हो सकती है। इसलिए बीज का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आज आप इतना ही यहाँ पे रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम अपना अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।